फ्रेंड्स, मिंता रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी या गुनिया, गुनिया भी इसे कहा जाता है। अरबी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ मसाले लिए हैं। लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, हींग, सरसों, अजवाइन, मेथी और अपनी अरबी को उबाल लेंगे। जैसे ही हमारी अरबी उबल जाएगी, एक या दो सीटी लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, जिससे नहीं तो अरबी हमारी अच्छे से हमारी अरबी ज़्यादा पिघल जाएगी, ज़्यादा गल जाएगी। इसलिए आप एक या दो ही सीटी लगाएं। उबाल करके उन्हें ठंडा होने के लिए रख दें और जैसे हमारी अरबी ठंडी हो उसको छील करके रख देंगे और उन्हें अच्छे से काट लेंगे। चाकू या चॉपिंग बोर्ड में तेल लगा करके काटें, क्योंकि अरबी चिपचिपी होती है। ऐसे हम गोल स्लाइस काटेंगे। गोल स्लाइस काटने से ये अच्छे से फ्राई हो जाती है, फ्राई करने में आसानी होती है। जो भी भाग इसका ख़राब होगा उसको हम निकाल देंगे। ऐसे हम अपनी पूरी अरबी काट लेंगे। काट करके एक प्लेट में रख लेंगे और इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल लगाने से अरबी चिपचिपी नहीं होती। और मसाला अच्छे से मिला देंगे, पूरी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। हाथ से अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद 5 मिनट तक रख देंगे। यहाँ पर हम एक फ्राई पैन रखेंगे। फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल डाल करके गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा उसमें हम अपने मसाला में मिक्स की हुई अरबी डाल देंगे। अरबी को हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे जिससे इनकी पूरी तरह से चिपचिपापन चला जाए और अच्छी कुरकुरी हो जाएंगी अरबी और इसकी फीस मिक्स नहीं होती है, चाहे जितनी ही पका लो। पलट पलट कर हम अरबी को फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी अरबी फ्राई होगी तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम 1 चम्मच अजवाइन और एक चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। जैसे हमारा मसाला चटक जाएगा उसके बाद हम 1 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग और अजवाइन का तड़का लगाने से यह सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर हम अपनी कटी हुई प्याज डाल देंगे और हरी मिर्ची, इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हींग और अजवाइन मेथी से तड़का लगाने से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अरबी तो हमेशा अजवाइन का तड़का ही लगाना चाहिए। जैसे हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो गया। अब उसके बाद हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला देंगे और इसमें 1 कप पानी डाल करके मसाला पका लेंगे। 1 मिनट तक मसाला अच्छे से पका लेंगे।
हमारा मसाला पककर तैयार। अब हम अपने कटे हुए टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर हम दो टमाटर लिए थे बड़े साइज के और उन्हें बारीक काट लिया है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। यहाँ पर हम एक चम्मच नमक डाला है क्योंकि अरबी में भी हमारा नमक डाला है पहले से। और हम टमाटर को 1 मिनट तक पका लेंगे। जैसे ही हमारा मसाला और टमाटर अच्छे से पक जाएंगे, टमाटर पूरी तरह से गल जाएगा, उसके बाद हम अपने इसमें कटी हुई जो फ्राई की हुई अरबी रखी थी उसे भी हम डाल देंगे क्योंकि हमें ग्रेवी वाली अरबी बनाना है, इसलिए इसमें हम पानी भी डालेंगे। एक मिनट के लिए ढक देंगे जिससे मसाला पूरी तरह से मिल जाए सब्जी में। और यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे हम 5 मिनट तक पका लेंगे। कटी हुई धनिया पत्ती और आप थोड़ा सा इसमें मैगी मसाला डाल दें, इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अगर बच्चे ना खाते होंगे तो इस मसाला डालने से बच्चे भी खाने लगेंगे, बार बार सब्जी बनाने को जिद करेंगे। यह सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।